दोस्तों नमस्कार। हम अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था एंड टू एंड प्रोटेक्शन के आरटीई ट्रांसमिशन की स्टेज को और आरटीई रिसेप्शन की स्टेज को। उसके बाद हम मैंने ई2ई को और अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी और इस वीडियो में हम देखेंगे ई2ई की ट्रांसफार्मर की एक्टिविटी कैसे होती है और वो क्या काम करता है। अब हमने जैसे समझा था कि एंड टू एंड प्रोटेक्शन है, मिडिलवेयर की तरह काम करता है, तो इसकी कुछ एक्टिविटी प्री डिसाइडेड है। तो इसमें जब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है और उसके बाद यदि कोई एरर आ जाती है, एरर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एरर आने के एरर आने का कारण हो सकता है कि आपका ट्रांजिट फॉल्ट आ गई है ना। जैसे ट्रांजिट फॉल्ट आएगी ट्रांजिट फॉल्ट है, रन टाइम फॉल्ट है, ये सब कारण हो सकते हैं। प्रोडक्शन एरर है, ये सारी एरर्स होती हैं। और एक होती है एक्सटेंडेड प्रोडक्शन एरर जो, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है डेवलपर एरर या डेवलपमेंट एरर। ये सारे कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण ये इश्यूज जनरेट हो जाए। तो इनको इससे बचने के लिए हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, बफर को चेक करता है अलग अलग तरीके से। उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा, उसकी स्टेट को चेक करेगा, है ना, कंटेंट कितना आया उसको चेक करेगा। इसके हिसाब से अलग अलग स्टेजेस होती है। तो ट्रांजिट एरर क्या होती है, जब डेटा ट्रांसफ़र होता है ट्रांजिशन में यदि किसी तरह की फॉल्ट आ जाए तो उसको ट्रांजिट एरर या ट्रांजिट फॉल्ट बोलते हैं। रन टाइम में क्या होता है, जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है और कनेक्शन से रिलेटेड कोई इशू हो या डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड कोई इशू हो तो रन टाइम एरर मानी जाती है। उसके बाद प्रोडक्शन एरर, प्रोडक्शन एरर में क्या होता है, जब प्रोड्यूस हो रहा है डेटा उस समय कोई एरर जनरेट हो जाए। तो डेवलपमेंट एरर क्या होता है कि जब डेवलपर उसको डिज़ाइन करता है तो उसके समय जो इश्यूज होते हैं उसको हम डेवलपमेंट एरर बोलते हैं। अब आ जाते हैं इस डाइग्राम पे। डाइग्राम बड़ा सिंपल सा है। जब ये कैसे चेक करेगा, इसमें ट्रांसफार्मर की आईडी आती है, आईडी के साथ आपको बफर, बफर की लेंथ, उसका इनपुट और इनपुट की लेंथ, ये सारी ये पैरामीटर्स होते हैं, ये सारे आपको देने पड़ते हैं। ये इसका एपीआई का इनबिल्ट फंक्शन है। तो राइट वेरिएबल करेगा, उसके बाद जब वो रिटर्न करेगा तो वो जब चेक कर रहा है कि रन टाइम एरर आ गई, ठीक है, जो हमने देखा था वो हमारे जो देखने में आया था उसमें भी यही था कि रन टाइम फॉल्ट आ सकता है या किसी भी तरह और तरह का फॉल्ट आ सकता है। तो मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ, ये जो एंड टू एंड सेफ्टी से रिलेटेड हार्ड रन टाइम एरर जनरेट हो रही है। अब जब ये जनरेट हो रही है तो इन प्लेस है कि नहीं है वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद दो स्टेट बनेंगी, एक बनेगी ट्रू स्टेट, दूसरी बनेगी फॉल्ट स्टेट। जब ट्रू और फॉल्ट स्टेट्स बनती हैं तो इन स्टेट्स को जब इस तरह से होता है तो ट्रू और फॉल्स दो स्टेट को चेक किया जाता है। अब जब ट्रू और फॉल्स की दो स्टेट बनती हैं तो ट्रू की स्टेट में कुछ कंडीशंस चलती हैं और फॉल्स की स्टेट में कुछ कंडीशंस चलती हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या करता है, ये जो कोड है ना, ये हर किसी का ये कोड के हिसाब से ऑलरेडी डेफिनेशन डिफाइंड है। तो इसके हिसाब से आप देखते हो, यदि ट्रू है तो ये लूप से बाहर जा रहा है, यहाँ पे यदि ये कंडीशन ट्रू हो रही तो भी लूप से बाहर जा रहा है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, जब आप एक लूप से दूसरे लूप में जाते हैं, दूसरे लूप से तीसरे लूप में जाते हैं और फाइनली अपना कंटेंट आप देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे फॉल्स स्टेट्स। फॉल्स स्टेट में क्या होती है, सबकी प्री डिफाइंड एरर्स होती हैं। एरर के बारे में डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि एरर का जो कंटेंट होता है वो बेसिकली तीन चार चीज़ों से रिलेटेड होता है। आपका कॉन्फिग्रेशन से रिलेटेड होगा, आपका स्टेट से रिलेटेड होगा, है ना, टाइम से रिलेटेड होगा, इवेंट से रिलेटेड होगा, ये सब मतलब अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स रहते हैं। तो उससे अगर आप एरर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे ना तो मैं आपको अपने रेफरेंस में इसकी डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा और आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि हर बार ये बेसिकली तीन चीज़ें चेक करता है। पहला कि बफर नल है कि नहीं है, बफर की लेंथ जीरो है कि नहीं है, और ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं कि नहीं है। दूसरी चीज़ें चेक करेगा एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन का हेडर, कि ये शिफ्ट करने के लिए बोला गया है कि नहीं बोला गया। आप देखेंगे दोनों साइड में, इस साइड में इनपुट बफर को चेक कर रहा है और एंड टू एंड शिफ्ट करने को बोला गया है कि नहीं बोला गया। दोनों साइड में वही फेज चल रहा होता है। ट्रू के केस में आपकी कंडीशंस
आपकी एरर कोड्स अलग होते हैं, फॉल्स के केस में आपके एरर कोड्स अलग होते हैं। दोनों केस में जब यह सिचुएशन होती है, ये तीन स्टेप्स होती हैं, इन तीनों में से एक भी कंडीशन यदि ट्रू है तो वो बाहर निकल जाएगा, यदि तीनों ही फॉल्स है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आप अगले स्टेप में आते हो। तो यही सारे स्टेप्स हैं, हर बार अलग अलग एरर कोड के साथ वो फिर चेक करेगा। उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट स्टेप से थर्ड लास्ट स्टेप है उसमें क्या होते हैं, उसमें उसके एरर के सेट अलग होते हैं ना, SWCs EXE, ये इसके कोड्स हैं, इस कोड के हिसाब से होता है। तो इसमें क्या लिखा, कॉपी बफर हेडर अकॉर्डिंग टू अपर हेडर बिट टू शिफ्ट टू एंड हेडर लेंथ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो बफर है या जो हेडर है वो शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसकी हेडर की लेंथ जो है वो स्पेसिफाइड की गई थी उतनी है कि नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जब ये कॉपी कर लेगा, कॉपी करने के बाद कंपेयर करेगा, उसको चेक करेगा कि बफर की जो लेंथ है वो इनपुट बफर लेंथ के साथ प्लस बफर प्रॉपर्टी की जो हेडर लेंथ है वो दोनों बराबर है कि नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो प्रोटेक्शन जो हुक होता है इसका वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसके हिसाब से वो चेक करेगा कि आगे क्या करना है। जब वो उसको चेक कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पहले वो चेक करेगा कि एंड टू एंड प्रोटेक्शन ओके है कि नहीं है, यदि ओके है ट्रू है तो फिर क्या करेगा, वो रिटर्न कर जाएगा। ये वैसा ही है जैसे कि आप किसी ISR से या इंटरप्ट से जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है तो आप उससे रिटर्न करते हो। बीच में से रिटर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यदि बफर लेंथ नल है ना, ये यदि ट्रू है कंडीशन, तो आप बाहर निकलोगे, आप देखेंगे ये सेकेंड स्टेज में हम यहाँ से बाहर यहाँ पे आ रहे हैं। तो प्रोटेक्शन एंड टू एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इसको समझना बहुत इजी है, ग्राफ से समझना बहुत इजी है, जब आप इसको करेंगे तो आपको ये सारे पैरामीटर्स को हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है। इसी तरह से एक दूसरी एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं E2E INV एक्टिविटी। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, ठीक है। INV कैटेगरी में क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि इसमें इसका ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है ना, ये साइक्लिकली कॉल किया जाता है RT में, और इसका जो ग्राफ है मोर और लेस सेम है, वही सारी बातें हैं, आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो आप फॉल्स लूप में चलते रहेंगे और उसी लूप में आप रहेंगे। तो इसमें डेटा एलिमेंट का बहुत ज़्यादा काम होता है, उसके बाद जो आपका ज़्यादा जो कंडीशंस होती है कंडीशन चेकिंग के काम होते हैं, इसके जो बफर की लेंथ हो गया, बफर फुल है कि नहीं हो गया, रन टाइम एरर आ रही है तो कैसे उसको हैंडल करना है, रियलाइजेशन कैसे करना है, इनलाइन फंक्शंस को कैसे हैंडल किया गया है, वो सारी बातें। इस तरीके से इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम इसमें देख सकते हैं, बेसिकली वो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड और स्टेट से रिलेटेड होते हैं। इन तीनों को ही यूज़ करके अलग अलग जो है इसकी एरर कॉन्फ़िगरेशंस बनाई गई हैं। सेम डायग्राम है एज अ एक्टिविटी की तरह, इनवर्स इन INV का मैंने फुल फॉर्म ढूंढने की कोशिश करी बट आई डिडंट फाइंड इन द डॉक्यूमेंट। तो यदि तुम्हें इसको INV का जनरली जो सिग्निफिकेंस होता है वो इन्वर्जन होता है, इन्वर्स होता है, इसी तरीके से होता है, तो मैं इसको उसी तरीके से दे रहा हूँ। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि जब आप एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी में देख रहे थे तो इसमें बफर कॉपी कर रहा था, बफर की लेंथ को कंपेयर कर रहा था, राइट करके उसको चेक कर रहा था, और उसके बाद जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट कर रहा था। इस बार क्या होगा कि इस बार आपके काम थोड़े से बढ़ गए। डू सम स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर P01 एंड P02 इन केस ऑफ न्यू डेटा अवेलेबल। यदि कोई नया डेटा अवेलेबल है तो इसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट या इसका एक्सेप्शन हैंडलर लिखना पड़ेगा, और ये जो है इसका एसोसिएशन इसके साथ है, डॉक्यूमेंट जो मैं भेजूँगा आप उसमें देख लेना। उसके बाद क्या होता है, चेक रिटर्न चेक करेंगे, PX चेकर जो हमने देखा था पॉइंटर होता है ये पॉइंट, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये कंडीशन चेक कर ली, इसके बाद क्या होगा कि आप दूसरी कंडीशन को देख, इसमें आपने देखा कि ये क्या करेगा, PXX चेक करेगा, चेक क्या करेगा, स्टेट टाइप चेक करेगा और परफॉर्मेंस चेक करेगा, डेटा के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो चेक करेगा। इसका यही सारा काम है, सिर्फ यही सब चीज़ें इसमें चेक होती हैं। इसी तरह से PXX की अलग अलग स्टेट्स होती हैं, जैसे PXX आपकी स्टेट टाइप होती है, प्रोटेक्शन इनिशियलाइजेशन होती है, चेक इनिशियलाइजेशन होती है, बहुत सारे इसके काम होते हैं। हमने ये PXX जो है जनरली यूज़ किया जाता है, और उसको हमने इसी फॉर्म में है, हमने इसको कवर किया था और इसी फॉर्म में हमने इसको देखा था, पिछले लेक्चर्स में भी हमने
इसी तरह से इसको हैंडल किया था। तो इसके बाद जो स्टेप होती है उसमें क्या होता है, बस अब जब आपने उसको बता दिया उसके बाद क्या, अब मैपिंग की प्रोसेस होगी, स्टेट चेक करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे आप, रिटर्न करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेटस पे। उसके बाद जो है बफर में कॉपी करके बफर की जो लेंथ है उसको कंपेयर करना, मतलब दोबारा से उसको राइट कर देते हैं, और राइट करने के बाद फिर से आप रिटर्न कर जाते हैं। मतलब ये वो कंडीशंस हैं दोनों, ये वो परिस्थितियां हैं जब आप एरर के केस में, एरर को हैंडल करने के केस में आप यूज़ करते हो, स्पेसिफिकली इन एंड टू एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। एक्टिविटी हैंडलिंग प्रोसेस है एंड टू एंड की। दोस्तों यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।